जबलपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने अपने मत का इस्तेमाल किया। विवेक कृष्ण तनखा ने पोलिंग बूथ पर जाकर अपना मत डाला और इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान का बहुत महत्व है। इस बार का चुनाव विभिन्न मुद्दों को लेकर हो रहा है और जनता तय करेगी कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में सौंपनी। मतदाता समझदार है और वह अपने मत का सोच समझ कर इस्तेमाल करेगा। भाई साहब, आपने आज वोट किया, किस तरह का आपने लगातार प्रचार प्रसार भी किया फील्ड में, आपने आपका अनुभव क्या कहता है कि आने वाले समय में क्या स्थिति? देखिए, जो मेरा अनुभव कहता है, जो मैं फील्ड में देख रहा था, लोगों के एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से और पॉलिटिशियन से बहुत हाई हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल बदले, लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और रहन सहन और हर प्रकार से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आए। पॉलिटिकल पार्टीज़, जब जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस पे कॉन्सेंट्रेट किया है, उनको बेनिफिट होगा। सबसे बड़ी बात है कि 60% ऑफ मध्य प्रदेश यंग है, यूथफुल है, उसमें से 80% वोट देते हैं। और अगर जितने यूथफुल कैंडिडेट्स होंगे, आप देखना उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज भी कह रहा हूँ और बड़े एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। छोटे छोटे लोग जीतेंगे और बड़े बड़े लोग हारेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञा की थी, जो संकल्प पत्र जारी किया था, जो वादे किए थे, उसको कितना रिस्पॉन्स दिया पब्लिक ने आपको? ये तो वोटिंग के बाद समझ आएगा। हर पार्टी ने अपने तरफ से अपना संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो रखा है। आज वोटिंग हो रही है, पब्लिक इसको जज करेगी। बट मैं पब्लिक की माइंड की बात बता रहा हूँ आपको। पब्लिक अपने जीवन स्तर की बात सोच रही है और जो भी पार्टी ने अब उनके जीवन स्तर से कनेक्ट हुए हैं या उनकी यूथ से कनेक्ट हुए हैं, उसको बहुत एडवांटेज मिला। पहली बार देखा गया विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे काफ़ी हावी रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को होता क्या कि जब आपके पास स्टेट लेवल मुद्दे नहीं रहते हैं तो आप राष्ट्रीय मुद्दों पर चले जाते हो। अब स्टेट लेवल इलेक्शन को आप राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ोगे तो इससे आप कैसे लोगों का अट्रैक्ट करोगे? पब्लिक उससे अट्रैक्ट नहीं होती है। पब्लिक तो चाहती है कि जो जिस लेवल का चुनाव है उस लेवल की बात करो। कॉरपोरेशन का चुनाव है तो कॉरपोरेशन की बात करो, स्टेट का चुनाव है तो स्टेट की बात करो, राष्ट्र का चुनाव है तो राष्ट्र की बात करो। सनातन धर्म, हिंदू, राम मंदिर, ये मुद्दे बड़े हावी रहे हैं। हम भी तो हिंदू हैं, हम भी सनातन हैं, सनातनी है। ये सब बातें ठीक हैं, बोलने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने के लिए अच्छी लगती हैं। राम मंदिर को बनेगा तो हम भी जाएंगे वहाँ पर, और हम खुद शंकराचार्य जी के वकील थे राम मंदिर के पक्ष में। वो सब बातें ठीक हैं, बट अल्टीमेटली चुनाव जो जाएगा लोगों की ज़िंदगी की बेहतरी पे जाएगा। लोग चाहेंगे कैसे उनकी ज़िंदगी इस चुनाव के बाद हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से बेहतर हो। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।